नामकरण समारोह में हनुमान लला अपने माता पिता के दिए नाम को स्वीकृति नहीं देते, तभी सुग्रीव हनुमान लला को कंचनाभ नाम देता है और वाली क्रोधित होते हुए लला को मरकट नाम देता है। हनुमान लला वाली को अपने अप्रतिम बल का अनुभव कराते हुए उसकी कलाई पकड़ लेते हैं। वाली असहनीय वेदना से कराह उठता है, जिसके उपरांत लला उनकी मन लुभावन मुस्कान के साथ वाली को मुक्त कर देते हैं। लला द्वारा सारे नामों को अस्वीकार करते देख अंजना चिंतित होती है। तभी वायुदेव प्रकट होकर बृहस्पति की अनुमति से सबको प्रसन्न करने वाला नाम मारुति देते हैं। अब आगे अंततः आंजनेय ने अपने शुभ नाम का चुनाव कर ही लिया, मारुति। मारुति। कल्याण हो पुत्र, मारुति, शंकर सुवन मारुति, पवन पुत्र मारुति, केसरी नंदन मारुति, अंजनी सुत मारुति, संकट मोचन मारुति। मारुति तुम धन्य हो, शुभ आशीर्वाद। सदा आनंदित रहो मारुति। यशस्वी भव मारुति। परम ज्ञानी भव मारुति। हे वायुदेव, आपने हमें धन्य कर दिया। हमारे पुत्र का नामकरण करने के लिए मैं आपको शत शत धन्यवाद। अब आपके इस उपकार का कैसे? उपकार मैंने नहीं किया वानर राज।
मैं तो केवल एक संदेश वाहक हूँ। मारुति जैसे तेजस्वी बालक के लिए शुभ नाम का चुनाव करना कोई साधारण कार्य नहीं था। आपके असाधारण बालक के शुभ नाम का चुनाव गहन चिंतन और मनन के उपरांत स्वयं माता पार्वती, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती ने मिलकर किया है। मारुति नाम तीनों शक्तियों ने स्वयं मिल कर दिया है। तीनों शक्तियों ने मिलकर मेरे पुत्र का शुभ नाम चुना है। ये तो बहुत आश्चर्य का विषय है। हमारा पुत्र अत्यंत भाग्यशाली है जिसका नाम स्वयं तीनों शक्तियों ने मिलकर निर्धारित किया है। इस नाम में निश्चय ही कुछ विशेष बात होगी। आपने ठीक सोचा है वानर राज, मैं स्वयं वहां उपस्थित था जब जगत माताओं ने आपके पुत्र के इस नाम को प्रस्तावित किया। मारुति अत्यंत कर्ण प्रिय नाम, किंतु मारुति नाम में ऐसी क्या विशेष बात है जो आप तीनों देवियां उस पर सहमत हो गईं? महर्षि कश्यप के 49 महाबलवान पुत्र मारुत नाम से विख्यात हैं। ये मरुदगण रुद्र के अंश हैं और सृष्टि में वायु संचार करना ये इन्हीं का कार्य है। भूमि जल को आकाश में ले जाने का कार्य भी यही करते हैं। वायुदेव इन मरुदगण की सम्मिलित शक्ति का प्रतीक है, इसलिए वायुपुत्र का नाम मारुति रखने से उसमें 49 वायु की गति और बल समा जाता है। और यदि मारुति नाम के अक्षरों पर ध्यान दें तो मारुति का प्रथम अक्षर मा से माधव अर्थात मेरे भ्राता विष्णु जी हैं, और द्वितीय रु से रुद्र अर्थात मेरे भ्राता शंकर, और तृतीय अक्षर ता सतचित के अंतिम अक्षर त से लिया गया है जो कि मेरे भ्राता ब्रह्मा जी का एक नाम भी है। और अंत की मात्रा ई उसका क्या अर्थ है?
मारुति की ई मात्रा में मुझ पराशक्ति की शक्ति समाई है। इस प्रकार मारुति नाम में वायुदेव का वेग है, तीनों देवों के गुण हैं और मेरी शक्ति है। लाडले पुत्र के लिए मारुति जैसा सार्थक नाम सुनकर अंजना और केसरी की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही होगी। हे कुमार, तुम महादेव कुल देवताए भक्तो असी। तुम्हारे कुल देवता महादेव हैं। हे कुमार, तुम मास नामना चैत्र असी। तुम्हारा जन्म चैत्र मास में हुआ है। हे कुमार, तुम नक्षत्र नामना स्वाति असी। जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ उस दिन चंद्रदेव स्वाति नक्षत्र में थे। हे कुमार, तुम व्यवहार नामना मारुति असी। तुम सारे संसार में मारुति नाम से जाने जाओगे। मारुति नाम के उच्चारण होते ही चारों ओर मारुति की जय जयकार होने लगी। किंतु मैं तो तुम्हें उसी नाम से पुकारूंगा। मर्कट, मर्कट। मारुति मर्कट। मारुति, मारुति, मर्कट, मारुति, मारुति। आप मधुप्राशन संस्कार किसके द्वारा संपन्न कराना चाहें? आप ही मार्गदर्शन कीजिए ऋषिवर कि मधुप्राशन संस्कार किसके द्वारा करवाया जाए। मधुप्राशन संस्कार वाणी में मधुरता स्थापित करने का संस्कार है। यहाँ पर उपस्थित सभी माननीय गणों में जो व्यक्ति सदाचार, प्रतिभा और विनम्रता में सबसे बढ़कर हो, वही व्यक्ति वत्स मारुति के जीवा पर मधु और घी के मिश्रण से ओम लिखकर मधुप्राशन अनुष्ठान को संपन्न करें। और इस आधार पर वायुदेव ही सबसे योग्य अधिकारी है।
ही युवराज मारुति की वाणी में मधुरता का संचार करने के लिए मधुप्राशन कराए। मेरे विचार में भी यह अनुष्ठान वायुदेव के द्वारा ही संपन्न कराना उचित है। वे इसके योग्य भी हैं और उन्हीं के दिए हुए नाम को बालक ने स्वीकार भी किया है। आप सब ने मुझे इस संस्कार के योग्य समझा, उसके लिए मैं आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। प्रतिददामि मधुनो घृतस्य वेदं सवित्रा प्रसुतं मधोनाम आयुष्मान गुप्तो देवताभिः शतम जीवो शरदो लोकेस्मिन्। पुत्र मारुति मुंह खोलो बड़ा सा। का नाम मारुति के हृदय में ही नहीं मुख में भी अंकित था। मारुति के जीवा पर तो पहले से ही श्री राम लिखा हुआ है। हाँ पितामह, देखिए ना। आप उसके आगे ही ओम लिख दीजिए। यहां एक पल भी रुकना व्यर्थ है।